यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसे नहीं मिलेंगे तो खोज के निकालूंगी। तो एक काम करो, थोड़ा और ले जा, पहुंचा दे। अब कहीं भूख लगी आई होगी तो मन में भूखो ध्यान कन्हैया कर कर छाक पठावेरी। मन में भूखो ध्यान कन्हैया कर कर छाक पठावेरी। मन में भूखो ध्यान कन्हैया कर कर छाक पठावेरी। मन में भूखो ध्यान कन्हैया कर कर छाक पठावेरी। हाथ जोर विनती कर दीजो, हाथ जोर पकड़ विनती कर दीजो, पाँव पकड़ विनती कर दीजो। मैया तेरो ऋणिया तेरो ऋणिया श्याम कहावे। कामरी लकुट वो करकारी कमरिया कंधे पे लेके मैं गाय चराता था। जाड़े का दिन होता था, ठंडी हवा लगती तो ओढ़ लेता। गर्मी का दिन होता तो बिछा करके उस पर बैठने का काम करता। बरसात का दिन होता तो उसकी घोगी बना करके और ओढ़ करके बरसात से बचता। इसी कामरी और वो लठिया लकुट जिस से गाय रसखान जी कहते हैं कि या लकुटी और कामरिया पर राज त्योपुर को तज डारो। आठम से दिनों निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कभों इन नयन नसो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। तो कोटिक हूँ कल धौत के धाम इन करील के कुंजन ऊपर वारू। रसखान जी का उद्गार। ठाकुर कह रहा है मेरी मैया से कहना कि कामरी लकुट मोही भूलत नहीं एक उपल घुमची न बिसारे। घुमची जानते हैं, करजनी लाल काली रत्ती जिसे सुनार लोग तोलते हैं। कामरी लकुट मोहि भूलत नहीं एको पल घुंघची न बिसारे। जाकी माल उर धारे सोने के हार हीरे के हार मोतियों के हार। लेकिन कन्हैया कहते रे सखा देखिए घुंघची फरी हुई है और एकदम पक गई है लाल लाल चिरमिटी। ब्रज में चिरमिटी बोलते हैं। इसकी माला बनाओ माला बनाओ। अब माला बना बना के बोले कि ले कन्हैया बन गई माला, अब तुम्हें पहरा दूं। अब हीरे की माला उतनी प्यारी इनको नहीं लगती जितनी चिरमिट्टी घुमची की। आज कह रहे हैं कि उधो क्या बताऊं कामरी लकुट मोहि भूलत नहीं एक उपल घुमची न बिसारे। जाकी माल उर धारे जा दिन ते छाके छूट गई ग्वाल बालन की। ता दिन ते भोजन नहीं पावत सकारे। कन्हैया कलेऊ सूरज उदय होते होते कर लेता था। और अब श्री प्रिय प्रवास नामक ग्रंथ में यशोदा मैया पूछती है उद्धव पहुंचने पर। प्रातः पीता सुपह कजरी गाय का
चाव से था हाँ पाता है नब उसको प्राण प्यारा दुला। बोलो उधो कन्हैया कितने बजे तक जलपान कर लेता है? बोले मैया कभी 11 बज जाते हैं, कभी 12 बज जाते हैं। अच्छा इतनी देर तक जलपान नहीं मिलता है कन्हैया को? कलेजा फट क्यों नहीं जाता? आज ठाकुर भी कह रहे हैं कामरी लकुटमो ही भूलत नहीं है कौपल घुमची न बिसारे जाकी माल और धारे हैं जा दिन ते छाके छूट गई ग्वाल बाल में की छाक मने वन में भेजा गया भोजन जा दिन ते छाके छूट गई ग्वाल बाल में की ता दिन ते भोजन नहीं पावत सकारे हैं भने यद वंश यहने नंद वंश हुसों बंसी न बिसारे जो पे बंसु बिसारे उधो ब्रज जइयो और मेरी लाइयो चौगान गेंद और मैया ते कहियो कि मैया हम ऋणिया तुम्हारे। मैया कहेगी कि इतनो भाव अभी भी बनयो है वाको मेरे प्रति तो कन्हैया आवे क्यों ना, कन्हैया आवे क्यों ना, तो आवे क्यों ना याको ये कारण बतइयो। कौन विधि मेटे या कर्म बलवान उदय छाछ छछिया की ब्रजभामिनी को भाते मुक्ति जो पदार्थ सो दे चुक्यो हूं पूतना को। पूतना ने जहरीला दूध पिलाया इतनी देर के लिए तो उसे मैंने मुक्ति दी। जहरीला दूध इतना सा पिलाने वाली पूतना को मैंने मुक्ति दी, अब मैया ने 11 वर्ष दूध पिलाए हैं मैया को क्या दूंगा? वही मुक्ति जो पूतना राक्षसी को वही मैया को। मुक्ति जो पदार्थ सो दे चुक्यो हूं पूतना को अब दई हो जननी को कहा याते पछताते विधि ने बनाई आही कौन विधि मेटे ताही ऐसे कर सोचत रहत दिन रात है। उधो ब्रज जइयो और मेरी मैया ते बुझाए कहियो कि जा पे कर्ज बाढ़े सो विदेश उठ जाते। जिस पर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है विदेश चला जाता है अथवा कहना पड़ता है कि सन्मुख होई न सकत मन मोह लगा तू जल्दी निकल यहां से जल्दी जा गोकुल गहर जनिलाओ सखे गहर जनिलाओ सखे आज ही सिधाओ ब्रज आवती है अधिक सुध गोपी गोप गैया की उठती उर पीर पैन आवे मन धीर होश करती अधीर बास बंसी बट छैया की उन्हें समझियो बेगी आवेंगे कहियो नेक में धीरज मधियो पौरी जइयो नंद रैया की मेरो लेके नाम उधो कहियो प्रणाम मेरी मैया के पैयन में प्रणाम कहियो। कहा बोले कि मेरो ले नाम उधो कहियो प्रणाम मेरी मैया के पैयन में उधमी कन्हैया की। मैंने अपने उपद्रव से बचपन की चंचलता से मैया को बहुत परेशान किया और मैया ने जितना सहा है ऐसा कौन सह सकता है।
उधो जाके मैया से कहना, उधो इतनी कही हो जाए, श्री सूरदास जी का पद, उधो इतनी कही हो जाए, हम आवेंगे दो भैया मैया जनी अकुलाए। या को बिलक बहुत हम मानो, हमें बड़ा खेद हुआ है मैया की एक बात से। कौन सी? बोले कि उसने खबर भेजी थी संदेशो देव की सो कहियो कि मोकू जान धाय निज सुत की, दूध पिलाने वाली धाय कहलाती है। अरे मुझे कन्हैया की मैया न कहो तो कम से कम कन्हैया की धाय तो कहो रे देव की। मैंने दूध पिलाया है, अब तुम अपना बेटा बना के रखना चाह रही हो, तो मैया तुमने जो अपने को धाय कह करके जो संदेश भेजा, ये मेरे हृदय को चुभ रहे, तू मेरी धाय नहीं है, तू मेरी माँ है। या को बिलक बहुत हम मान्यो, जो कही पठे हो धाय वह गुण हमको कहा बिसरी है, बड़े किए पै प्याई, और जब मिले नंद बाबा सो तब कही ओ समझाए, तोलो दुखी होन नहीं पावे, मेरी धोरे धुआए, मेरी गहियों को सार समार करेंगे दुबली नहीं होनी पावे। यद्यपि यहाँ अनेक भांति सुख तदपि रहो नहीं जाए, सूरदास देखो ब्रजवासिन तब ही ओ सिराए, उधो इतनी कही हो जाए। परम पवित्र, ये तो बाबा और मैया से और गोपियों के यूथ में जाना जिनकी प्रमुख राधा है। परम पवित्र तुम मित्र हो हमारे, उधो अंतर व्यथा की कथा मेरी सुन लीजिए, ब्रज की वे बाला जपे मेरी जप माला, बाढ़ी बिरह की ज्वाला तामे तन मन छीजिए, मेरो विश्वास मेरी आस रस रास मेरी, मिलवे की प्यास जा सावधान कीजिए, प्रीति सो प्रतीति सो लिखी है रस रीति सो, सो ये पत्रिका हमारी प्राण प्यारिन को दीजिए। इसमें क्या लिखा है भैया? मैं तेरे ज्ञान की महिमा और तेरे योग की महिमा को लिख के भेज रहा हूं, ये एक व्यंग्य है। जैसे तुम दीन हो ए मेरी प्यारी गोपियों, जैसे तुम दीन हो तन मन धन प्राण मोहि, तैसे ही समाधि साध ध्यान धरवाओगी, अलख अनादि घट घट को निवासी, मोहि जानी अविनाशी जोग जुगत जगाओगी, आसन करके और प्राणायाम, आसन करके प्राणायाम साध ध्यान धारण आते, ब्रह्म को प्रकाश रस रास दर्शाओगी, ऐसे चित्त लाओगी तो सुख में समाओगी और मुक्ति पद पाओगी, हमारे पास आओगी। ये संदेश फिर ठाकुर कहते हैं, उधो ब्रज को गमन करो, ब्रज को अभी तुरंत पधारो, उधो ब्रज को गमन करो, मेरे बिना बिरहनी गोपिका तिनके दुख हरो, और उनको और क्या उपदेश करोगे, योग ज्ञान प्रबोध समन को, योग ज्ञान प्रबोध समन को। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। सुख पावे नारी पूर्ण ब्रह्म अलख पर चोकरी, डारे मोहि बिसारे मुझे भूल जाए, और तुम्हारे अलख अगोचर ब्रह्म से प्यार करें। सखा प्रवीण हमारे हो तुम, मैं और को भी भेज सकता था लेकिन और को नहीं भेज रहा हूँ। क्यों? बोले इसलिए कि समझाने में तुम बड़े प्रवीण हो, दक्ष हो। व्यंग्य है, समझाने में प्रवीण नहीं होते तो जिनको दुनिया कहती है कृष्णम बंदे जगत गुरु, उनको तू मोही कह करके फटकार रहा है कि गड्ढे में तू गिरने जा रहा है,
और बारन उबारन हो के बारन बनो नहीं, समझाने में प्रवीण हो तब तो जगत गुरु को समझा रहे हो, तो समझाने में प्रवीण हो इसलिए भेज रहा हूं, ये व्यंग्य है। सखा प्रवीण हमारे हो तुम, या थे थापि महंत, सूर श्याम पठवत हैं याते, क्यों? बोले कि वहां से होई आवे गो संत। समझिएगा, अब व्याख्या नहीं करेंगे, व्याख्या कल होगी। सूर श्याम पठवत हैं याते, कि होई आवे गो संत। अभी विद्वान है, अभी पंडित है, अभी ज्ञानी है, ज्ञान गुमानी है, और वहां जाएगा तो वहां से प्रेमी रसिक संत होकर के लौटेगा। अभी इसकी क्या हालत है? अभी इसकी हालत है पढ़त पढ़त पत्थर भय, और सुनत सुनत भय ईंट, तुलसी राम स्नेह की तनिक न लागी छींट, और वहां जाएगा तो प्रेम में सराबोर होकर के आएगा। बस आज इतनी ही सेवा से आप संतुष्ट हों, श्री प्रभु कृपा से। हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर सत्संग गोष्ठी में समवेत होकर भगवत भागवत चरित्र, उसमें भी अतिशय गंभीर सरस श्री उद्धव गोपी संवाद की चर्चा का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। यह प्रसंग सिद्धांत समन्वित भी है, रस समन्वित भी है। और एक प्रकार से माना जाए तो वाद पक्ष समन्वित है। सत्संग गोष्ठी में आत्मा की खुराक मिला करती है, शरीर की खुराक भोजन पानी वस्त्र छाया छप्पर इत्यादि माना जा सकता है, आत्मा की खुराक अध्यात्म है। दोनों जरूरी है, बिन पानी भोजन बिना ये उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। श्री प्रयागराज वाले गुरुदेव पूज्य चरण श्री फलाहारी बाबा सरकार कहा करते थे, सत्संग में चलने वाली जो चर्चा की धारा होती है वो प्राय तीन विधाओं में विभाजित होती है। इस बात की चर्चा कई बार इस मंडप में हो चुकी है, जो नव आगंतुक हैं वो सुन समझ लें, जो पुराने श्रोता हैं उनको भी बात दिमाग में ताजी जैसी हो जाएगी। सत्संग गोष्ठी में चलने वाली चर्चा की धारा आत्मा की खुराक होती है, और सत्संग गोष्ठी में चलने वाली चर्चा की धारा तीन विधाओं में विभाजित बताई गई है, वाद पक्ष सिद्धांत पक्ष और रस पक्ष। यह उद्धव गोपी प्रसंग ऐसा है, इसमें वाद पक्ष भी है। उद्धव ज्ञान पक्ष से बोल रहे हैं, श्याम सुंदर प्रेम पक्ष से बोल रहे हैं। ज्ञान पक्ष बुद्धि प्रधान होता है, प्रेम पक्ष रस पक्ष हृदय प्रधान होता है। यहां से
जब सलाह पाकर उद्धव जी जाएंगे, वहां भी गोपियों से इनकी मुठभेड़ होगी, गोपियों से पाला पड़ेगा, गोपियां इनको बताएंगी कि आप को लगता है कि निरख और परख की क्षमता नहीं है, किसको ज्ञान का उपदेश होना चाहिए और किसको प्रेम भक्ति का उपदेश होना चाहिए, कौन किसका अधिकारी है, शायद अभी इसकी निरख परख आपको नहीं। अगर ऐसा अगर आप इसमें सक्षम होते तो आप हम लोगों के बीच में प्रेम पंथ से दूर हटा करके और शुष्क ज्ञान पंथ की एक ही बात, ज्ञान पंथ में सीधी सी बात है, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, सब ब्रह्म के ही स्वरूप है। अब इसी बात को दृढ़ करने के लिए घट पट सर्प रज्जु घटाकाश मठाकाश महाकाश इत्यादि के उदाहरणों से एक ही बात को बारंबार 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 संसार अनित्य है और इस संसार के जो रचयिता पालन संचालन करता एवं उपसंहार करता सर्वेश्वर है, वो नित्य है, समस्त ज्ञान का सिद्धांत यही है। श्री रामकृष्ण देव परमहंस जी कहा करते थे अपने शिष्यों के बीच में, वो भक्ति पथ के पथिक थे, ज्ञान से शून्य पथिक नहीं है, ज्ञान समन्वित प्रेम भक्ति पथ के पथिक हैं। तो उदाहरण दिया करते थे, आप लोगों के यहाँ शहनाई वादन कभी हुआ होगा, कभी आपने सुना होगा, शहनाई बजाते समय एक डुग्गी और ताल मात्रा से वाद्य बजाने वाला होता है, शायद एक जोड़ी भी खटखटाता रहता है और एक शहनाई को विविध राग रागिनियों में समय अनुसार बजाता है और एक होता है जो केवल वही एक ही बात बार बार। तो हमरे राम को अभी कुछ दिन पहले पढ़ने को मिला, स्वामी राम कृष्ण देव परमहंस जी के जीवन चरित्र से संबंधित एक अर्वाचीनतम ग्रंथ कल्पतरु की कोई विशिष्ट लीला बता रहे थे, तो उसमें स्वामी राम कृष्ण देव परमहंस जी कहा करते थे कि भक्ति जो है ये विविध राग रागिनियों वाली शहनाई है और ज्ञान वाला जो उपदेश है वही उसके साथ की तरह बजने वाला एक बाजा है। तो उद्धव अपना ज्ञान का राग अलाप रहे हैं और गोपियां अपना प्रेम, इनको कुछ सिखाने समझाने के लिए नहीं, अपनी सहजता में बोल रही,
तो ये वाद पक्ष का भी सौदा माना जा सकता है। कृष्ण और उद्धव में वाद, वाद विवाद, मत मतांतर, और उद्धव और गोपियों में वाद, वाद विवाद, मत मतांतर, अंत में जीत गोपियों की होती है। कहा जाता है ऊधो सूधो हो गयो, ऊधो सूधो हो गयो, कब ले ऊधो सूधो हो गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान की बाजी डिमडिमी और प्रेम को बाजियो ढोल। तो इसमें वाद पक्ष का भी सौदा मिलेगा और सिद्धांत पक्ष भी है। सिद्धांत पक्ष कहता है कि आत्मा और परमात्मा का सहज संबंध है। कल बताया गया था श्रद्धा मयोयम पुरुषः, हर आत्मा श्रद्धा मय है, श्रद्धा के बिना कोई होता ही नहीं है। गुण भेद से किसी की श्रद्धा तमोगुणी श्रद्धा, किसी की रजोगुणी श्रद्धा, किसी की सत्वगुणी श्रद्धा और किसी की सत्वगुण से भी ऊपर त्रिगुणातीत श्रद्धा। तो सत्वगुणी श्रद्धा जो है वो ज्ञान की भूमिका वहीं से प्रारंभ होती है। मानस की भाषा में अस संयोग ईश जब करई तब हूं कदाचित सो निर्वरई। जीव चेतन है लेकिन इसमें जड़ता की गांठ पड़ गई है अविद्या के कारण। यद्यपि कोई गांठ वांठ है नहीं लेकिन नहीं दिखाई पड़ने पर भी ऐसी गांठ पड़ी है, यद्यपि मृषा तथापि छूटत कठिन, छूटना बहुत कठिन। तो उसको छुड़ाने का उपाय ज्ञान भी एक उपाय है। ज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है, बोले कि सात्विक श्रद्धा धेन सुहाई, यहीं से शुरुआत होती है। सात्विक श्रद्धा जो हरि कृपा हृदय बस आई, तो व्रत जम नियम अपारा श्रुति का जय शुभ धर्म अचारा, ते तृण हरित चरे जब गाई भाव वत्स सिपाही पहनाई। बहुत लंबी भूमिका है, यहां से लेकर के पर्यवसान इसका कहा है, बोले सो हम अस्मित वृत्ति अखंडा दीप शिखा सो परम प्रचंडा। और उसमें भी जो निर्विघ्न, इसमें विघ्न बहुत है, कदाचित जो निर्विघ्न पंथ निर्वही सो कैवल्य परम पद लही। कैवल्य मोक्ष नाम का एक पद रिक्त स्थान है जो विरजा और परव्योम के बीच में है, वहां उनको पहुंचा दिया जाता है। वहां उनको न संसार का दुख है न भगवत धाम वाला सुख है। विरजा परम व्योमनोर अंतरा केवलम स्मृतम तदिच्छन्ति अल्पमतेव मोक्षम सुख विवर्जितम। विरजा और परव्योम के बीच का जो रिक्त स्थान है उसी को कैवल्य मोक्ष निर्माण अथवा मुक्ति कहा गया। श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं कि तत् अल्पमतेय इच्छन्ति, जिसको भगवत धाम गत भगवत नाम रूप लीला धाम चरित्र गुणगण इत्यादि का सौख्य का चस्का नहीं है,
वही लोग उस मोक्ष को स्वीकार करके रह जाते हैं। हाँ, हम दुनिया के दुख सुख से छूट गए, दुनिया के दुख सुख से तो बाबा छूट गए, लेकिन ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ, परिकरों के साथ, जय विजय गरुड़ जी, हनुमान जी, सुबल श्रीराम, भोज तोष, मधुमंगल, ललिता, विशाखा, चंद्रकला, चारुशीला, श्री श्री देवी, श्री भूदेवी, श्री लीला देवी, श्री नीला देवी इत्यादि, नंद सुनंद इत्यादि पार्षदों के साथ जो लीला का सुख प्राप्त करते रहते हैं, भक्तों को रस पिलाते रहते, उससे भी तुम वंचित रह गए यदि तुमने मोक्ष को स्वीकार कर लिया तो, निर्वाण और कैवल्य को स्वीकार कर लिया तो उससे भी तुम वंचित रह गए। अस्तु, उद्धव उसी पथ के उपदेशक हैं। और गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुमने श्याम सुंदर को देखा होता तो ये अहम ब्रह्मास्मि की बात नहीं करते। कहा कि हमने खूब देखा है, हम एक साथ रहते हैं, एक पलंग पर बैठते हैं, एक साथ चौका में बैठ करके खाते पीते हैं, देखा ही नहीं है। तो गोपियां कहती हैं कि तुमने अपनी आंख से देखा होगा, हमारी आंख से देख। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।